प्यारे बच्चों, आप हैं गुरु नितेश के साथ और देख रहे हैं अपना चैनल गुरु नितेश जीरो वन। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 11 मेंसुरेशन से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ए शेप ऑफ ए गार्डन इज अ रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड द सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये पूरा 20 मीटर है। ये कहता है कि ये बीच में रेक्टेंगुलर है, ये एक रेक्टेंगल है और दोनों साइड से ये सर्कुलर है जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। इस एरिया, इस गार्डन का एरिया और इस गार्डन का पेरीमीटर निकालना है। कहता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, मतलब इस रेक्टेंगल का लेंथ जो है वह है 13 मीटर, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए इस पार्ट का एरिया प्लस इस पार्ट का एरिया प्लस इस पार्ट का एरिया, दोनों का, तीनों का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा। अब इस चीज़ को समझिए, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, दोनों इक्वल है और दोनों सेमी सर्किल है, और एक ही सर्किल को अगर हम दो हिस्सा में बांटते तो एक हिस्सा इस तरफ है और दूसरा हिस्सा इस तरफ है, तो ये तो कंप्लीट एक ही सर्किल है। तो हम इसके लिए बार बार क्यों मेहनत करेंगे, हम पूरे सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। हम दोनों में से कोई मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब हमको अगर एरिया ऑफ गार्डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये 13 इंटू 7 लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख ही लेते हैं, एल इंटू बी प्लस पाई आर स्क्वायर। तो एल कितना है 13, बी कितना है 7, प्लस पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, और यहाँ आर, ये क्या है, ये पूरा डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, तो इसका जो रेडियस होगा वो आधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्यों डी इक्वल्स टू होता है 2 आर, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा डी बाई 2। ठीक है, तो ये इसको हम निकाल लेंगे, 13 7 जा 91 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, इसको इससे कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 91 प्लस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 1 15 अपॉन 4, तो ये अभी और कैंसिल हो जाएगा, 91 प्लस 77 अपॉन 2, इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, 182 प्लस 77 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 9, 7 7 14 1 15 और 1 1 2 2 5 9 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। अगर इसको हम लोग डेसिमल में निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। 259 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 कैंसिल, 5 2 2 जा 4 1 9 9 2 जा 18 1 decimal 0 2 5 जा 10, ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 129.5 मीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर की बात करते हैं हम लोग, पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है कि चारों तरफ का बाउंड्री, पेरीमीटर का मतलब होता है चारों तरफ का बाउंड्री। अब देखिए यही फिगर है, क्वेश्चन में यही फिगर दिया हुआ है, तो चारों तरफ के बाउंड्री के लिए इन दोनों लाइन का कोई ज़रूरत हमको नहीं है, क्योंकि ये बीच का लाइन है, ना कि ये चारों तरफ के बाउंड्री में आता है। तो अब समझिए कि इसका बाउंड्री, जब हम इसका चारों तरफ का बाउंड्री निकालेंगे तो हमको जो यहाँ से ये रेक्टेंगुलर है,
ये जो रेक्टेंगुलर है ये 13 और ये 13 को ऐड करना होगा, और पहले ही आपको बताया है इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह एक सर्किल है, तो एक सर्किल का पूरा सर्कमफेरेंस और ये 13 प्लस 13, ये दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। तो इस पार्टिकुलर शेप के लिए पेरीमीटर जो होगा वो होगा 13 प्लस 13 प्लस 2 पाई आर, तो ये क्या हो जाएगा 26 प्लस 2 इंटू 22 अपॉन 7, और आर का वैल्यू 7 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 26 मीटर प्लस 22 मीटर, तो ये हो जाएगा 48 मीटर, ये इसका पैरामीटर हो जाएगा। ये गलती क्यों एकदम से नहीं करें कि आप इस रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालें, फिर इस सेमी सर्किल का पैरामीटर निकालें, फिर इस सेमी सर्किल का पैरामीटर निकालें और सबको आपस में जोड़ें। इस लाइन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इस लाइन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और इस लाइन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो उस लाइन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसमें इस तरह से करके बनाएंगे भी तो अगर हम इसमें रेक्टेंगल का पैरामीटर ऐड करेंगे तो इसके विर्थ को जो यह 7 और 7 है इसको बाद में हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी हमारा आंसर होगा। अगर हम सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं तो हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा, तो इसका आंसर 48 मीटर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।